So Rishu, since people are getting inspired by your content, so we let's say what other names can you give who are like similar to yours in India and smaller creators, but they are doing really well? जब ये सूर्या ने अभी से माय नेम, स्टार्ट से माय नेम. किया, ओके योर नेम बट नॉट यू, आई विल टेक योर नेम. तो सूर्या ने अभी शाउट आउट का वाली वीडियो डाली, तो आई इंस्टेंटली चेक्ड आउट द फर्स्ट चैनल, दैट वाज जय का चैनल. तो तुरंत मेरे को वीडियो में देख के पता चल गया कि बंदा बढ़िया कर रहा है. तो मैं गया चैनल पे और वीडियोस देखी उसकी, बिंज मार दी एक ही बारी में सारी. एंड भाई उसका ह्यूमर, मैं वो हो गया इनसिक्योर टाइप कि ये बंदा कैसे, मतलब इतने छोटे लेवल पे. सब ज्यादा नहीं थे ऑब्वियसली बिकॉज तभी शाउट आउट मिला. तो मैं उसको रीच आउट करा एक हफ्ते में इंस्टा पे, एंड फर्स्ट थिंग आई सी वो मुझे फॉलो कर रहा है. एंड आई ड्रॉप द मैसेज इन अप्रिशिएटिंग हिम. तो रिप्लाई आता है भाई का 10 मिनट में कि भाई लव यू, वाउ लव यू, जो मेरा कैच फ्रेज, एंड इंस्पायर्ड बाय यू. तो इट्स लाइक कि मेरे से इंस्पायर होके वो मेरे को वो कर सकता है, इनसिक्योर अबाउट माई ह्यूमर. तो इट्स लाइक हाँ, इंस्पायर होके अच्छा कंटेंट बना रहा है वो मेरे से, एंड आई फील गुड कि भाई मेरे से अच्छा बना रहा है. ना भाई, तेरे से अच्छा यार. यू नो व्हाट रिशु, बहन के लोड़े, तू बहुत इनसिक्योर. मेरे को लग, तू अपने आप को कम नापता है बहुत. तू हाँ बहुत कम हाँ ऐसा नापता है, है बहुत लोग कहते हैं भाई एक इतना. और चीज भी है, पता है क्या, कि डू यू जैसे थिंक कि कैप्टन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय यू इन सम वे? हाँ देख अभी क्या हुआ, वही कैंसिलेशन वेव का जो ट्रेंड आ रहा है, तो लोगों को लगता है कि किसी भी दिन, वही जो तूने बात करी अभी ओकस, कि एक दिन सुबह उठ के तुम वॉल नहीं बना सकते. जो उसका प्रोसेस है वो 3 महीने का होता है, या कितने भी टाइम का, जितना तुम्हें लग जाना चाहिए एक वीडियो के पीछे. उसने क्या किया, वो एक दिन उठ के वॉल बनाने लग गया बंदा, कैप्टन इंडिया. तो ऐसा नहीं होता, उसकी वीडियो मैंने देखी, नहीं नहीं है वो पॉइंट्स वैसे जैसे होने चाहिए फॉर कैंसिलेशन कल्चर, और उसको बैकफायर मार गया इंस्टेंटली. इट्स लाइक तुमको एक प्रोसेस होता है, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसने प्रोसेस ही स्किप मार के सीधा वो आउटकम पे चला गया, जो कि नहीं था. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज ओपिनियन दैट क्लिकबेट टाइटल्स मिसलीडिंग है, तो ये तो गलत है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वो कोई पॉइंट ही नहीं बना, दे आर नॉट, बिकॉज सब लोग करते हैं वो. मे बी आई हैव रेजन दिस पॉइंट इन वन ऑफ माई वीडियोज. तो उसमें क्या था, मैं क्या करता हूँ, वो किसी, वो सब पॉइंट होता है, मेन पॉइंट कुछ और होता है, दैट वो बंदा कहे कि ये सब मत करो, एंड वो खुद क्लिक बेट कर रहा हो. तो मेन पॉइंट ये नहीं कि क्लिक बेट करना गलत है, मेन पॉइंट ये है कि वो हिपोक्रेट है. तो इट्स लाइक एक पॉइंट छुपा होता है हर सब पॉइंट के पीछे, तुम उससे कुछ करेक्ट. प्रूव नहीं कर सकते वो ये तुम्हारे. दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज आई थिंक मेरा भी काफ़ी हाथ रहा है ये दिस होल कैंसिलेशन वेव को पुश करने में, एवर सिंस द होल कॉन्ट्रोवर्सी विद मुंबई का निखिल. ट्रू बिकॉज लाइक मैंने भी देखा उसके बाद भाई काफ़ी लोग ने बनाना शुरू किया और मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई देख मैंने भी बना दी अभी रिसेंटली, समथिंग हैपन विद बकचोदी वाला टेक और समथिंग लाइक दैट. बट तो पॉइंट वॉज कि भाई यू नीड टू रियलाइज कि अगर तुम्हारा पॉइंट ये है ना कि भाई कि मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, वहां पे तुम फिसल जाते हो. अगर तुम्हारा कोर ही है कि भाई ये गिर जाए तो तुम वहां पे भाई वो दिख जाता है, वो उतना प्रेशर उतना स्ट्रांगली हिट ही नहीं करता है. इवन इवन वेन मुंबई का निखिल फकिंग स्ट्राइक द वीडियो एंड स्ट्राइक द चैनल एंड एवरीथिंग, आई वॉज एक्सट्रीमली हर्ट. बट इवन देन आई वॉज लाइक कि भाई नहीं, आई हैव टू थिंक अबाउट दिस प्रैक्टिकली लॉजिकली. एंड इवन इन द मैनिपुलेशन वाला वीडियो, विच इज़ माई मोस्ट पॉपुलर वीडियो एंड आई थिंक माई बेस्ट वीडियो टिल नाउ, उसमें भी मैंने उसको इस तरीके से काउंटर किया है कि वो तुम उसके खिलाफ कुछ पॉइंट निकाल नहीं सकते. भाई तू भी मैनिपुलेट कर रहा है, हाँ मैंने वीडियो में बोला है. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं तुम उसको निकालोगे, मैं उसी वीडियो में बोल चुका हूँ कि, और इस तरीके से बोला हूँ कि तुम उसको पकड़ नहीं सकते हो. वो ऑब्वियसली हाँ भाई दिमाग लगा के बनाया, चूतिया थोड़ी हूँ मैं कि किसी को, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो डिसइंजेन्युइन था. इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं चाहता कि मुंबई का निखिल उठे, अब नहीं चाहता, अब उसकी माँ की चूत, अब नहीं पसंद मुझे वो बंदा. पर जिस तरीके पे जब तभी मैंने उस वीडियो बनाया था, तब मैं भाई स्मार्टली बनाया था. और भाई निखिल, रिफ्लेक्शन किसकी? भाई उसकी भाई, तो ब्राइटनेस ब्राइटनेस एडजस्ट करके देखूंगा भाई, जो है कि नहीं कुछ मिलेगा वही नहीं है मिलेगा. भाई, वही क्या ही बोलो अब, छोड़. वो मान लेगा ही नहीं, सेम टी प्लस शर्ट नहीं हो फोर सकती. प्लस फोर एक्स्ट्रा डिसलाइक्स फ्रॉम एमएन लेवल. रेशु मेरी बात सुन, सेम टी शर्ट नहीं डाल सकते दो दोस्त एक ही दिन में भाई, हो सकता बता. है सूरत वर्मा परमिट यही तो करती हैं, ओकस और परमिट तेरी था ना वीडियोस इन उसके सेम पास. अपलोड होती है.
वो तुम लोगों उसमें सेम ही तो टी शर्ट पहनते हो निकल जाएगा कोई सीन नहीं निकल जाएगा माइनर है ऐसी बट मैं यही कहूँ कि अगर तुम 16 के हो तो ये सब मत करो प्लीज अगर मेरे को देख के कर रहे हो प्लीज बुफड़ी वालों भी मिनाटी शेयर कर लो 2 साल रुक जाओ फिर कर लेना जहाँ मरना होगा एंड वुड यू आल्सो रेकमेंड देम टू नॉट हैव अ बैकअप प्लान एंड जस्ट गो फॉर इट कभी नहीं बिल्कुल कभी नहीं अगर देखो भाई कॉलेज कर लेना प्लीज कर लेना बहुत जरूरी है पेसिमिस्ट लड़का मैं हूँ वैसे मैं मानता हूँ और मैं तुम में बिलीव मेरे को किसी में बिलीव करने का बहुत मुश्किल रहता है लेकिन अगर तुझे तुझ में बिलीव है ना ये मैं बहुत बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है पर खुद में बिलीव है ना प्रॉपर बहन के लोड़े ऐसे नहीं कि भाई हाँ वो किसने बोला बिलीव करना चाहिए नहीं प्रॉपर बिलीव है हाँ। तो पूरा घुस जाओ घुसना नहीं है बिल्कुल बीबीजे की तरह पूरा अंदर घुस जाओ भाई बीबीजे की माँ की चूत में घुस जाओ चाहे 3 महीने पुरानी हो वीडियो लेकिन उस पर रिप्लाई वीडियो बनाओ घुस जाओ बनाने की जरूरत है घुस जाओ भाई रीजन व्हाई ब्रोथल इज एंड चल ठीक है लेकिन अगला क्वेश्चन अगेन मैं ऋषु के साथ ही पूछूंगा कि अभी तूने बात किया ही है कि भाई कैरेक्टर वगैरह के बारे में बात की कि तेरे से इंस्पायर हुए तो मुझे ये बता कि जो डैंक ऋषु है और ऋषभ अरोड़ा है ठीक है उनमें डिफरेंस कितना है कौन वो लोग एक प्रॉब्लम जो कि मैं भी एड्रेस करना चाहता था अपने मेन चैनल पे कि हाँ भाई डिफरेंस है ऑब्वियसली है अब देख पॉडकास्ट पे पीपल एक्सपेक्ट मी टू बी फनी जबकि मैं कई जगह नहीं होना चाहता बट होना पड़ता है भाई अब क्या है कि फर्क है जैसे कि मैं कभी इंस्टा लाइव पे आता हूँ या कभी यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ चिल मूड से मैं कर नहीं पाता बिकॉज जो 1.5 घंटे की मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ इट्स लाइक अ स्टैंड अप उसको मेरे को हर 10 क्या 1 मिनट में पंच डिलीवर करना है हर 1 मिनट में तो इट्स लाइक 90 मिनट की लाइव स्ट्रीम 90 पंचेस तो मिलेंगे तुमको उसमें जाके तो ऐसा क्या मैं सूर्य से इस बात पे बहुत जेलस फील करता हूँ कि आता है वो बंदा बैठा हुआ है और मैं आराम से चैट कर रहा हूँ आई फील सो गुड कि मैं ऐसे बात कर पाता बट मेरे यहाँ ऐसा कभी नहीं हो सकता बिकॉज शुरू से ही मैं उनको ये देता आया हूँ कि अब तुम रैंक ऋषु के लाइव स्ट्रीम देखने आए हो तो तुम एंटरटेन होके जा रहे हो जो कि होता है हमेशा की हमेशा इट्स इम्पॉसिबल कि मैं कभी आके चिल मूड से बात कर पाऊँ जो कि ऋषभ अरोड़ा करना चाहता है नॉट रैंक ऋषु तो इट्स काइंड ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन की मैं कहूँगा कि ठीक है एज अ कॉमेडियन तुम लोग चिल मूड में नहीं देखना चाहते कॉमेडियन को बट कभी कभी कॉमेडियन का भी मन होता है कि तुमसे चिल मूड में बात करे ऐसी मैं इंस्टा लाइव आ जाऊँ कहीं भी आ जाऊँ वहाँ पे भी लोग कॉमेडी कर दो भाई जी मैं वहाँ चिल मूड से बात नहीं कर पाता ऋषि यादव तुम मेरे साथ लाइव आया था एक दिन भैया बोरिंग कर रहे हो कॉमेडी करो इट्स लाइक बोरिंग कर रहे हो इंस्टा लाइव पे तुम लोग क्या एंटरटेनिंग कर सकते हो बस बहन जो कॉमेडी चेयर इशू जहाँ पे है एंड ये IRL भी हो चुका है आई मीट पीपल नाउअडेज मतलब मैं जाता रहता हूँ कभी बका भी निकलता हूँ बट फ्लेक्स नहीं भाई मैं मिला हूँ एंड पीपल एक्सपेक्ट मी टू से समथिंग फनी बट ऐसा थोड़ी है बुफड़ी के फोटो खींचा निकल भाई यार क्या बहन जो पहले वो आया डैंक ऋषु मैंने कहा हाँ अब वो ऑकवर्ड साइलेंस क्यों है वहाँ वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अभी यहाँ पे बहन जो स्टार्ट स्ट्रीमिंग का बटन दबाऊंगा मैं करूँगा क्या It's so awkward.